नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। कोटी थाना प्रभारी संतोष नहीं मांगेंगे अपने उच्च अधिकारियों का निर्देश, जो करना है कर लो। जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह उत्तर प्रदेश की पुलिस सिंह को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और अपने थाना प्रभारी व अधिकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए फरियादी से सही लहजे में बात करके उनकी समस्या का निस्तारण करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, तो बाराबंकी में उन्हीं के निर्देशों को दरकिनार करते हुए खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बाराबंकी में देखने को मिला। जहां बाराबंकी के कोटी थाना में तैनात थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह एक फरियादी को धमकाने में लगे हुए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुद्दा तो बताओ, जो करना है अंदर जाएगी, बस ये 101% जाएगी। जिस दिन मिल जाएगी, जिस दिन हम लोगों तब तक ना जेगा। सरकार की बात कर रहे हो, फिर आज कत्ल हो जाएंगी। और हम कर देंगे, वो कर देगी सर, वो कर देगी। और क्या कर दे दिया सर, जानी उसके और लोग जेल। हमारे घर का लड़का खत्म हो गया, हमको तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो तुम्हें हमें, आप तो सर उल्टा बोल रहे हो सर जी। बोलूंगा ऐसे ही, वो घूम रहे खुले। हम घूम रहा, घूम रहा। अरे हम क्या बताएं सर, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश को दरकिनार करते हुए बोल रहे हैं कि मैं दूजे किस्म का थाना प्रभारी हूं, अब तो मैं किसी के निर्देश को भी नहीं मानूंगा। दरअसल पूरा मामला कोटी थाना क्षेत्र के अतरौली का था, जहां बीते 15 नवंबर को समय करीब 5 बजे शिवम वर्मा उर्फ नान बाबू पुत्र सुशील कुमार वर्मा की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें दो नामजद आरोपियों सोनू उर्फ कृष्ण कुमार बराम प्रताप को कोटी थाना प्रभारी रहे सुधीर कुमार ने पकड़ कर जेल भेजा था, और एक महिला प्रेमा देवी नामजद आरोपी फरार चल रही थी, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर गिरफ्तार करने के लिए गुहार लगाई थी, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने गिरफ्तार का आदेश जारी करते हुए थाना प्रभारी को पत्र देने के लिए भेजा था। इसी दौरान थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह आग बबूला हो गए, जिनकी वीडियो पीड़ित परिवार ने बना ली थी। पीड़ित परिवार का आरोप कोटी थाना प्रभारी संतोष कुमार को किया जाए निलंबित। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार व भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी थाना प्रभारी संतोष कुमार को निलंबित करने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले की शिकायत बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर व डीजीपी उत्तर प्रदेश समेत मुख्यमंत्री से शिकायत की है। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट। कहाँ रहते हो? अतरौली। क्या मामला है? हमारे भतीजे की जो है 15 तारीख को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, तो उसमें दो तो गिरफ्तार हो गए, तीसरी जो प्रेमा देवी है उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, तो वही हम आए थे, गए थे एसपी के यहाँ, एसपी से के यहाँ से आदेश लेके आए, तो यहाँ एसओ को दिया, तो एसओ को तो उल्टा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, इसको हम जो है अपने हिसाब से काम करेंगे और हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हमारा जब मन होगा तब करेंगे काम, कोई तुम्हारा काम तो है नहीं, ये सब बता रहे हैं और गाली गलौज दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हैं? कह रहे थे भाग जाओ, जो करना हो कर लेना, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, ये सब बता रहे हैं।